नमस्कार दोस्तों, तो राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एक खुशखबरी है, ये पिछले साल अक्टूबर में ही आ गई थी, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ओके, अगर आप में से कोई भी नेचुरलाइजेशन करवाना चाहता है, सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहता है ब्राज़ील की, तो आपको सेल्फ ब्रास कंपलसरी नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब वो लॉ आया था तो कंपलसरी था, लेकिन 3 अक्टूबर 2018 को उन्होंने कुछ उसमें चेंजेस कर दिए और एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी। तो अगर आपको सिटीजनशिप अप्लाई करना है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि आपको जो कम्युनिकेशन आता है पोर्तुगीज़ लैंग्वेज में, ठीक है। तो पहले सेल्फ ब्रास कंपलसरी था, लेकिन अब वो कंपलसरी नहीं है। तो या तो आपके पास सेल्फ ब्रास हो, वो भी चल जाएगा, ए। बी में ये है कि या आपने कोई मास्टर्स डिग्री वाला कोर्स किया हो, हायर एजुकेशन होता है ना, मास्टर्स हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोई कोर्स किया हो किसी ब्राज़ीलियन इंस्टीट्यूट से जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में रजिस्टर्ड है, तो भी आपका काम हो जाएगा, तो चल जाएगा। ओके, या फिर आप जो वकीलों का जो यहाँ एग्ज़ाम होता है, जो बार एसोसिएशन का, जिसमें आप उसको बोलते हैं ऑर्डम दोज एडवोगाडोज। ओके, तो अगर आप यहाँ पर रजिस्टर्ड वकील हो, वो एग्ज़ाम आप पास कर चुके हो, तो भी आपको ज़रूरत नहीं है उसको प्रूव करने की, वो उससे ही चल जाएगा आपका। और चौथा, आपने कोई पोर्तुगीज़ में कोर्स किया हो, पोर्तुगीज़ लैंग्वेज का कोर्स किया हो फॉर फॉरेनर, पोर्तुगीज़ फॉर फॉरेनर ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं कई इंस्टीट्यूट्स में, तो वो कोर्स ऐसा होना चाहिए कि वो एक इंस्टीट्यूट से किया हो जो इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हुआ है, ठीक है, रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अफिलेटेड है। अगर ऐसे कोई आप इंस्टीट्यूट से पोर्तुगीज़ फॉर फॉरेनर्स का कोर्स करते हैं, तो भी आपको प्रूव हो जाएगा और आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। 4 मैंने बताए हैं, 5 थे, फिफ्थ भी था, वो मुझे समझ में नहीं आया, वो अजीब सा ही है कुछ, और ये 4 में ही काम हो जाएगा, सेल्फ ब्रास या मास्टर्स करा हो, पोस्ट ग्रेजुएट, और 3rd जो मैंने बताया था कि आप रजिस्टर्ड वकील हो, यहाँ पर एग्ज़ाम पास किया है, और 4th जो मैंने बताया था कि आपने जो यहाँ के कोई इंस्टीट्यूट से, मास्टर लेवल इंस्टीट्यूट से जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रजिस्टर्ड है, उसमें आपने पोर्तुगीज़ लैंग्वेज फॉर फॉरेनर्स का कोर्स किया, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट करके बताएं ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कुछ तो रिलैक्स हुआ होगा, रिलीफ मिला होगा आप लोगों को, नहीं तो मुश्किल हो गया था, सेल्फ ब्रास डिफ़िकल्ट है ना, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कीजिए राजा भैया ब्राज़ील वाले को, और साथ में साइड में जो बेल आइकॉन दिया है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुँचें।